क्वेश्चन है, ए गैल्वेनोमीटर हुज रेजिस्टेंस इज 120 ओम गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद ए करंट ऑफ 0.05 एम्पीयर सो दैट इट कैन रीड ए मैक्सिमम करंट ऑफ 10 एम्पीयर. ए शंट रेजिस्टेंस इज एडेड इन पैरेलल विद इट. द रेजिस्टेंस ऑफ द एमिटर सो फॉर्मड इज. रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर हमें बताना है क्या होगा. तो ये आरजी दे रखा, आईजी दे रखा, आई मैक्स दे रखा, आरएस हमें बताना है. तो हमें पता है कि आई मैक्स इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, आई जी मैक्स 1 प्लस आर जी बाय में आर एस. आई मैक्स कितना दे रखा है 1, आई जी मैक्स 0.05, 1 प्लस आर जी हमारे पास दे रखा 120 डिवाइड बाय में आर एस. तो 1 डिवाइड बाय में 0.05 इक्वल टू क्या हो गया आर एस प्लस में 120 डिवाइड बाय में आर एस, यानी कि 20 आर एस इक्वल टू क्या आ गया आर एस प्लस में 120. तो आर एस क्या आ गया 90 आर एस इक्वल टू में क्या आ गया 120. आर एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 120 डिवाइड बाय में 19. 120 डिवाइड बाय में 19 हमारे पास क्या आ जाएगा. आई मैक्स हमें 10 एम्पीयर दे रखा है सॉरी. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 200 आर एस, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा 199 आर एस इक्वल टू 120. तो आर एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 120 डिवाइड बाय में 199, यानी कि 0.6 ओम हमारे पास क्या आ जाएगा आर एस की वैल्यू आ जाएगी. ये हमें 10 एम्पीयर दे रखा था, आई मैक्स दे रखा था 10 एम्पीयर. ओके, तो हमारे पास आर एस की वैल्यू क्या आ गई 0.6. आर जी हमें दे रखा 120, आई जी हमें दे रखा था, आई मैक्स हमें दे रखा था, आर एस हमें बताना है. तो आई मैक्स इक्वल टू होता है आई जी मैक्स 1 प्लस आर जी बाय में आर एस. तो हमारे पास आर एस की वैल्यू आ गई 0.6 ओम.